गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं दिन में कर रहा हूँ, करीब 2 बजे। तो अभी फिलहाल मुझे भूख लग रही है, मैं तैयार हो गया हूँ नहा धो के, तो कुछ बाहर खाने जा रहा हूँ। लेकिन आज मेरा पूरा दिन फिक्स है, मैं पहले जाऊँगा बाहर कुछ खाऊंगा, जहाँ कल खाया था वहीं पर ही आज देखूंगा, फिर उसके बाद जाऊँगा अपनी वॉच लेने और वहीं से रिहर्सल पर भी निकल जाऊँगा। तो इसलिए मैंने अपना पूरा बैग ही रेडी कर दिया है, इसमें सब कुछ डाल दिया है, जिम का सामान भी डाल दिया है। अगर वापसी में टाइम मिला तो अपना जिम चला जाऊंगा मैं। तो अभी सब कुछ बैग में ही डाल दिया इसलिए, तो निकलते हैं अभी, खाते हैं सबसे पहले कहीं पे जाके। तो भाई अभी रूममेट मेरे सारे गए हुए हैं और तो मैं लॉक करता हूँ रूम, पहले बंद कर लेता हूँ लाइट, फैन, ताला ले लिया। यार इसकी कुंडी का एंगल बहुत छोटा है ना, तो खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी लॉक कर लेता, शूज वगैरह पहन लेता हूँ। शिट, अपना वो हेडफोन तो लेना ही भूल गया, फिर ब्लॉगिंग करूँगा तो दिक्कत होगी ना उससे। ये टंगा पड़ा, चार्ज हो चुका है। अभी रूम में तो कोई नहीं है ना, इसलिए आवाज़ आ जा रही है, लेकिन जब बाहर होते हैं तब इसकी बहुत ज़्यादा ही नीड पड़ती है। तो हमने ले लिया ये भी, बाल मेरे पूरे वैसे हो गए, गीले हैं ना अभी, आज लेट ना आया ना मैं इसलिए। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों मैं बहुत टाइम बाद शूज़ पहन रहा हूँ, चोट लगी पड़ी थी ना उसके वजह से थोड़ा दर्द है, चोट लगी हुई थी ना तो थोड़ा दर्द है, तो शूज़ पहने, शूज डाले ना तो हल्का सा मुड़ाना तो हल्का सा पेन हुआ, बस हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलते हैं अभी आगे। तो भाई मैं आ गया हूँ खाना खाने, मेरा खाना तेरा, मैं अभी खाते हैं फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं खाना खा के आ चुका हूँ और बस स्टैंड आपको दिखा देता हूँ। तो आज भी हम 32 नंबर बस की प्रतीक्षा करेंगे कि कितनी देर में आती है बस, अभी फिलहाल वेट करता है फिर निकलते हैं इन्फिनिटी मॉल, बस जल्दी आ जाए यार बस। मुझे ना डाउट था थोड़ा थोड़ा कि भाई बस पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए ना मैं बस डिपो ही आ गया। देखने के लिए तसल्ली तो रहती है कि हाँ भाई कब बस है कब नहीं है। और एक बस है वो ये पीछे वाले रूट से निकल जाती है, आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड से निकल जाती है वो, तो वह उस वाले स्टैंड में नहीं आती, उधर खाली एक ही आती है, इधर से मेरे को 2 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैं 3-4 ले लूँगा ताकि DN मेट्रो से चेंज करके मैं इन्फिनिटी जा सकूँ चेंज करके। अगर टाइम पे नहीं आई तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो अभी इंतज़ार करते हैं बस का, पता नहीं कितनी लेट आएगी। आ गई बस 8:32, तो चलते हैं बस में। आगे मैं सोच रहा हूँ पहले क्रोमा में भी देख लेता हूँ, अगर वहाँ पे अच्छा रेट मिल जाए तो चलता है क्रोमा की तरफ उधर। ये पूरा क्रोमा, ये रेट का देखेंगे ये वाली है, उसका ये ओपन कर इसका ओपन करके दिखा दोगे सर? बैक पीस ऐसा ओपन नहीं, ऐसा ओपन वाला नहीं है कोई? नहीं। अनिल इसका ओपन पीस आया डेमो के लिए? देखते हैं।
जो मुझे चाहिए था वो मॉडल मिला नहीं इधर, और एक मॉडल पसंद आया लेकिन वो 100 रुपये ज़्यादा महंगा दिखा रहा है। तो मैंने कहा मैं सोचा 100 रुपये जो एक्स्ट्रा क्यों देना, उससे बेटर था इन्फिनिटी जाके पता कर लूँगा कि वहाँ पे क्या रेट है। तो अभी इन्फिनिटी चलते हैं, फिर वहाँ पे पता करते हैं। बाकी एक क्रोमा था, इन्फिनिटी उधर सामने पड़ेगा जहाँ मैं उस दिन गया था घूमने, तो मैंने देखा तो वहाँ पे पता किया तो सही लगा थोड़ा। तो एक और बार जाके देखते हैं कैसा, अगर वहाँ समझ में आ गया तो वही ले लूँ, नहीं तो वापसी इधर ही आऊँगा मैं। तो चलता है वहाँ पे। मैं पहुँच गया हूँ इन्फिनिटी मॉल, अभी चलते हैं अंदर। तो भाई मैं इन्फिनिटी मॉल आ चुका हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। अभी हम चलते सीधा वो लेने। ये देखो इन्फिनिटी सर्कस मूवी लगी हुई है जो अपनी इतनी चल नहीं रही, इसका फिर भी प्रमोशन किया जा रहा है। मुंबई है ना, यहाँ पे तो प्रमोशन करना बनता ही है। यहाँ प्रमोशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? वो सौदा तो चलते हैं बहुत। वॉच लेने तो भाई मैंने बिलिंग करवा ली है, तो अब लेता हूँ विजय सेल्स से, देखते हैं कैसा रहता है इनका। तो बहुत अच्छा हो चुकी है, और ये इसका बिल है, तभी इसको ओपन करके देखते हैं भाई। इसमें एक ये मिला है चार्जिंग का, ये बुकलेट है, एक और ये मिला इसमें स्ट्रिप, बाकी ये है वॉच। तो देखते हैं ओपन करके कैसी है क्या है, कनेक्ट करके इसको सबसे पहले कनेक्ट करके देखते हैं। तो भाई मैंने ले लिया है अपना अपनी वॉच, अभी चलते हैं। अच्छा बिल ये लो, मैंने अपनी वॉच ले ली है और पैन इस हाथ में रखे हैं मैंने, दिखाता हूँ आपको। देखो सही है, मैं काफ़ी टाइम से स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहा था, तो ले ली मैंने टाइमिंग देखने के लिए हर चीज़ के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 5:14, तो मैं यहाँ से 6 बजे निकलूँगा, तब तक मन कर रहा कुछ खा लेता हूँ। तो ऊपर जाके कुछ खाते हैं, फिर देखते से पहले वॉशरूम हो गया जाऊँगा। तो उसको मैं निकल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम 16:17 हो चुके हैं, 16:05। तो इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाने में टाइम लग जाएगा रिहर्सल पे, तो मेरे को रिहर्सल पे भी जाना ज़रूरी है। तभी मैं रिहर्सल पे निकलूंगा। उससे पहले रास्ते में एक दिल्ली के जैसा बना था भाई चिकन, बिल्कुल दिल्ली जैसा टेस्ट से, तो वहीं पे ही खाऊंगा। मैं यहाँ पे नहीं खाता हूँ क्योंकि टाइम भी लग सकता है पास में, लेकिन जाम की वजह से पता, तो मैं निकल जाता हूँ ताकि टाइम से पहुँच जाऊँगा। बाकी वॉच ले लिया तो मैं इसको अभी बैग में डाल दूँगा, तो मैं बस उस टाइम आ गया हूँ। तो बस का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने टाइम में आती है बस। हालांकि रास्ता यहाँ से 10-15 मिनट का ही है, 15 मिनट का, लेकिन मैं फिर भी जल्दी निकल रहा हूँ ताकि टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं हर बार बस फर्स्ट डे टाइम से पहुँचा था, उसके बाद मैं 2-3 बार गया हूँ लेट ही गया हूँ किसी ना किसी रीजन से। बाकी देखो रेंज रोवर जा रही, मुंबई में ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, तो वेट करता अभी बस का। चल गया मैं बस में से उतर गया, क्योंकि बस उस साइड जा रही थी पहली मुर्गी,
और मुझे काफ़ी आगे जाना था, तो मेरा अनुमान सही था, मैं सही टाइम पे निकला। रास्ता 10 मिनट का वैसे देखा जाए, लेकिन मुंबई है, मुंबई में जाम बहुत लगता है, तो इस वजह से यह बढ़ जाता है रास्ता। और सोचो अभी मैं इन्फिनिटी मॉल से ज़्यादा नहीं 500 मीटर दूर भी नहीं हूँ, और 5:40 हो रहे हैं, सोच सकते हो 5:40 हो रहा है, और मैं ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ, मतलब 15 पे मैं निकला था, यानी 20 मिनट मुझे यहाँ आने में ही लग गए डी एन नगर, अंधेरे इन्फिनिटी मॉल से डी एन नगर, जबकि आधा किलोमीटर होगा होगा तो होगा, तो अभी आगे और है, चलना पड़ेगा, तो मैं वॉक करके चला जाता हूँ, देख रहा हूँ जाम कितना ज़्यादा लगता है यहाँ पे, बहुत हैवी जाम लग जाता है। बाकी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो आगे चलते हैं, फिर जैसा बताता हूँ। तो आज चिकन खाएंगे, चिकन पहुँच गया हूँ जहाँ पर, चिकन खाता हूँ। देखो पूरा दिल्ली का टेस्ट है, मतलब मैं इधर इतनी दूर इसलिए भी आया हूँ कि यहाँ पे ना पूरा दिल्ली जैसा टेस्ट मिलता है, मैंने एक बार खाया था तो बहुत अच्छा लगा, तो अभी फ्राई हो रहा है तेल में, ये अभी ये उसमें जाएगा तेल में, फिर फ्राई होगा, तो यही खाएंगे, फिर चलते हैं आगे रिहर्सल पे। तो भाई हमारा चिकन आ चुका है, इसको टेस्ट करके देखते हैं, मैं पहले भी कर चुका हूँ, टेस्ट अच्छा ही रहता है, गर्म है थोड़ा पर अच्छा है, अच्छा टेस्ट है भाई। और जो चटनी है ना तू देने की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा। अगर आपको खाना तो आप यहाँ से, तो डी एन नगर यहाँ पे इस भाई के पास, मेरा ये ऐसे ही लगा रहा है नॉर्मल, लेकिन इसका टेस्ट वाकई में भी अच्छा है, तो अभी खाते फिर चलते हैं आगे। तो भाई मैं खा लिया हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 6:10, तो 6:10 हो रहा है, 6:30 का टाइमिंग था, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जल्दी हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और लगेंगे वॉक करके पहुँचने में, तो मिलता है रिहर्सल पॉइंट पे। तो मैं चिकन खा के निकल चुका हूँ, और भाई लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट था, और मेरा पेट पूरा भर गया, मतलब ऐसा कि थोड़ा सा और कुछ जाने की भी वो नहीं है उम्मीद, और मैं थिएटर पहुँच ही गया हूँ लगभग, लक्ष्मी शर्मा जी के यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिल्डिंग है मैम, जहाँ हमारी रिहर्सल होती है, रहते सबको कहीं और है लेकिन यहीं पर ही आते हैं, तो मैं अंदर का कभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ, तो बहुत क्या हूँ मैं, अब निकलते हैं रिहर्सल के बाद, तो ही आगे बताएंगे क्या होता है। ये देखो मैं रिहर्सल से निकल चुका हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ रूम पे, और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:20, तो अभी सोच रहा हूँ जिम जाऊँगा या कि नहीं, जैसा भी हुआ देखते हैं। तो मैं रिहर्सल से घर आ चुका हूँ, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं पूरे 10:03, तो अभी मैं खाना बनाने की सोच रहा था दाल और राइस, दाल और ऑमलेट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं केले और अंडे ले आया था, ताकि ऑमलेट बना लूँगा करके, और सुबह के लिए केले शेक बनाने के लिए। तो अभी भाई आलस बहुत आ रहा है, सर में हल्का हल्का दर्द, और ये खांसी गई नहीं कि जुकाम और आ गया, कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। तभी सोच रहा हूँ या अंडे उबाल लूँ या भुर्जे बना लूँ अंडे, और ये शिवम के ब्राउन ब्रेड रखे थे ये खा जाता हूँ, तो देखते हैं जो भी मन करेगा वो बना लूँगा मैं। पहले सबसे पहले फ़ोन लगाता हूँ चार्जिंग में, मैंने अंडे उबाल लिए, तो अभी मैं उबले हुए अंडे और ब्रेड खाऊँगा, ये दिखाता हूँ उबले अंडे, ये कैचअप मिल गया था मुझे, ये ऑर्गेनो डोमिनोज का, और ये ब्रेड, तो खाते हैं। और फिर सोना है यार, सर में भी थोड़ा बोल रहा था ना जुकाम, और वो तो मैं जल्दी एंड कर दूंगा। तो थैंक यू मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए, अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गुड नाइट एंड थैंक यू, बाय।